जोहार अबुआ झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे विषय जनजातीय भाषा संस्कृति की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियों पर। हमारे साथ में बहुत खास मेहमान हैं यहाँ आज, श्रीमती मोनिका रानी टूटी। जोहार आपको, बहुत बहुत जोहार। स्वागत, अभिनंदन आपका। आप उप निर्देशक हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची की। मोनिका जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में आपका, जी और जोहार। साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आपके संस्थान में, चूंकि जनजातीय संस्थान है और शायद विश्व इस देश में 28 संस्थान हैं, जी और इस संस्थान में जुड़े हुए आपको कितने दिन हो गए? मुझे 2 साल हो गए हैं। जुलाई माह में ही मैंने ज्वाइन किया था, 2022 में। मुझे 2 साल हो गए हैं। आपका एक एक विषय मुंडारी भी रहा है। मैंने एकेडमी में तो नहीं रखा था, वहाँ मेरा अर्थशास्त्र था, उसमें मैंने पीजी किया हुआ है। लेकिन मुझे रुचि थी, चूँकि मैं मुंडा जनजाति से हूँ, तो मुझे ये सीखना जानना भी था अपने भाषा और संस्कृति के बारे में, तो मेरी रुचि थी। और मैंने प्रशासनिक सेवा में जो अपना एक विषय के तौर पे मैंने इसे चुना था। कितना मतलब अगर जनजातीय भाषा आप जानते हैं, अपनी मातृभाषा जानते हैं, तो एक ऐसे संस्थान से जुड़े रहना, उसमें आपको क्या लगता है कि भाषा की जानकारी होना और उस पद पर होना में कुछ मदद होता है या फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब मैं प्रशासनिक सेवा में आई थी, उस समय भी मुझसे मेरे इंटरव्यू में यही सवाल किया गया था कि आप जनजातीय भाषा आप क्यों रखना चाहती हैं, आपने एक विषय रखा है और इसकी उपयोगिता क्या है, आप कैसे इस विषय को रखकर आप सेवा कर पाएंगी। तो मेरा उस समय भी यही कहना था, और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैंने वो प्रूफ किया। देखिए, झारखंड जो है वो जनजातीय बहुल प्रदेश है हम लोगों का, और प्रशासनिक सेवा जो है उसमें हम लोगों की ग्रास रूट पे पहली पोस्टिंग ही होती है, ब्लॉक में होती है, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के तौर पर। और अगर हम इस अपनी भाषा को अगर हम जानते हैं, और अगर हम लोगों के साथ, आम जन के साथ अगर हम अपनी भाषा में बात करते हैं, तो वो आपसे बहुत कनेक्ट होते हैं। बहुत जल्दी हाँ, होते हैं। बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, आप उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, वो अपनी बात आपके पास बहुत खुल कर रखते हैं। और हम जो सरकार की योजनाएं होती हैं, हम उनको भी उनके अपनी भाषा में उनको बहुत आसानी से समझा पाते हैं कि सरकार की ये योजनाएं अभी आप लोगों के लिए लाई गई हैं, और इसमें आपको इस तरह से इसका उपयोग करना है। तो इसका बहुत ही, मतलब इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस संस्थान में और किस तरह के काम होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जनजातियों के उत्थान के लिए, फिर भाषा या संस्कृति उत्थान के लिए जी कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जी आप जी उनकी थोड़ी बहुत जानकारी दें। जी जैसा कि आप जानते हैं कि इस संस्थान का नाम डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है। तो ये जनजातीय शोध संस्थान, मतलब यहाँ पे जनजातीय समूह की से संबंधित उनकी जीवन शैली हो, उनकी भाषा हो, उनकी संस्कृति हो, इन सभी विषयों पर हम लोग शोध का कार्य करते हैं। और इनकी भाषा पर हम बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं, और इनके साहित्य के बारे में, इनकी जीवन शैली के बारे में भी हम डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं। उसके माध्यम से भी हम बताते हैं कि क्या इनकी विशेषताएं हैं, और समय समय पर हम कार्यशाला भी रखते हैं किसी विषय पर। और इनके संस्कृति में, आप संस्कृति वर्ड जो होता है वो अपने आप में बहुत व्यापक है। जैसे हम लोग समय समय पर जो विलुप्त हो रहे हैं भाषा, जैसे आदिम जनजाति की भाषा है, PVTG ग्रुप की जो भाषाएं हैं, उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है।
उसमें हमने प्राइमर बनाया है, प्राइमर जो प्री नर्सरी में पढ़ाया जाना है उसमें। तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि कुछ जनजाति जो कि इस्टेब्लिश हैं, इस्टेब्लिश हैं कहने का मतलब कि उनकी अपनी जो रचनाएं हैं या उस भाषा में लिखित पुस्तकें हैं वो हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आप मुंडा, कुड़ुक, संथाली, हो, खड़िया, ये सब भाषाओं में आप बहुत सारी किताबें पाएंगे जो कि विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन जो आदिम जनजाति भाषा समूह के जो ग्रुप के जो जनजाति हैं उनकी किताबें उपलब्ध नहीं हैं। शायद उसमें ये दिक्कतें आती हैं कि इसमें अभी जो हमारे पास जो जनसंख्या है उसमें शिक्षित लोगों की कमी है, बहुत कम मिल पाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि वैसे जनजातीय समूह PVTG के जो हैं उन पर हमारा विशेष प्रयास है कि हम उनके लिए प्राइमर बनाएं, और उनको हमने संरक्षित करने के लिए अपने यहाँ कार्यशाला भी हम लोग आयोजित करते रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि असुर, कोरबा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, इन सब पर हम लोगों ने प्राइमर बनाया है और गद्य पद्य भी हमने बनाया है। ये कहाँ उपलब्ध होंगे? क्या ऑनलाइन भी ये उपलब्ध रहते हैं या फिर? नहीं, अभी ऑनलाइन तो नहीं उपलब्ध है। यह हमारे कार्यालय में प्रकाशन शाखा है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान मोराबादी में। आप आ करके इसको हमारे यहाँ से क्रय कर सकते हैं। अच्छा, थोड़े दिन पहले एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी कुछ कार्यशाला या जी फिर ट्यूशन का कुछ जी, कोचिंग रखा? का क्लास कोचिंग, हाँ। कराया था हमने। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ही ये प्रयास था कि हम हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के बच्चे हैं वो उतने सक्षम नहीं हैं कि वो किसी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के वो पढ़ पाएँ। तो उनका कहना था कि हम लोग क्यों नहीं उनके लिए कुछ कोचिंग की व्यवस्था कराएं। तो हम लोगों ने पहला बैच शुरू कराया था 2023 में। PVTG के लिए हमने अभी जो झारखंड में CGL की परीक्षा हुई थी उसके लिए हम लोगों ने यहाँ 9 मंथ्स का, 9 माह का हमने यहाँ पे आवासीय प्रशिक्षण उनको दिया, कोचिंग दिया। और उसके बाद अभी हम लोग ये राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए हमने कोचिंग अभी चलाया है, वो अभी चल ही रहा है। संथाली भाषा में हम लोगों ने कोचिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया रिस्पांस है। कैसा रहता है? मतलब जैसे उस कोचिंग में कितने बच्चे आए, पार्टिसिपेट कितने बच्चों ने किया उसमें? इसमें 150 बच्चे थे, अच्छा, रेगुलर PVTG है। के थे विशेषकर। और ये जानकर देख करके हम लोगों को बहुत खुशी होती थी कि उसमें लड़कियां भी बहुत थी, और क्योंकि ये रेसिडेंशियल था तो उनके लिए भी ये रहने और खाने की सारी व्यवस्था हमारे तरफ से थी। तो इसमें उन लोगों का उत्साह भी हम लोगों को देख करके अच्छा लगा कि इतने लोग मतलब जागरूक शैक्षणिक, है और हाँ इसके शैक्षणिक लिए। माहौल एक बन रहा है अपने प्रदेश में। और उसमें से कुछ स्टूडेंट BIT के भी थे। अच्छा, हाँ, हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा था कि इतने मतलब वेल एजुकेटेड लोग भी हैं। हाँ, तो जो सक्षम है वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस था कि जो वंचित लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उनके लिए इस तरह का प्रयास करें। और हमारे यहाँ से 26 स्टूडेंट उस एग्ज़ाम का PT उन्होंने पास किया है। बहुत अच्छा है। जी 150 में 26 पास अगर बच्चे पास कर रहे हैं हो तो रहे हैं अच्छा तो। ही है। हाँ, अच्छा, ये जो भाषाएं जितनी भी होती हैं उनकी अपनी किसी किसी भाषाओं की लिपि भी है, जी तो आपको क्या लगता है यहाँ पे लिपि पे एकदम ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर दोनों को पैरेलल ही चलना चाहिए? देखिए, अभी तक का मेरा जो TRI में अनुभव रहा है, जिन भाषाओं की अपनी लिपि है तो अगर वो अपनी लिपि में अपनी चीज़ें रखते हैं तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन जिनकी लिपि नहीं है, वो देवनागरी में या रोमन में लिखते हैं, तो इसमें भी कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अभी लिपि अगर आप बनाते हैं या कहीं बनाया गया है, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उसके प्रामाणिकता की या उसको अपनाने की दिक्कत होती है। जैसे अभी ओल चिकी जो हमारे यहाँ संथाली भाषा में जो ओल चिकी का प्रयोग किया जा रहा है,
तो उसमें हमारे ही प्रदेश में, जैसे आप संथाल परगना में अगर उस तरफ जाएंगे तो, और गिरिडीह के आसपास जो है ओलचिकी, तो वहाँ ओलचिकी जो है वो अलग तरीके से लिखी जाती है। जमशेदपुर में जाएंगे या उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहाँ पे ओलचिकी अलग अलग है, तरीके से लिखी जाती है। तो इसमें थोड़ा वो व्यापक रूप व्यापक रूप से से मान्यता नहीं, एक्सेप्टेंस हाँ ना। एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर आप देवनागरी में लिख रहे हैं तो वो सभी जगह उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए मेरे समझ से आप देवनागरी में अगर लिख रहे हैं तो लिख रहे ज्यादा हैं अच्छा है। तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपके यहाँ दोनों लिपि वाले भी आते हैं, अगर मान लिए कि कोई काम हाँ, करना चाहता ऐसा है तो ये ओपन सिर्फ रहता है क्या कि जी दोनों भाषा ऐसा में? सिर्फ संथाली में अपनी लिपि की बात अभी आई है, और हमारे यहाँ से अब तक जो भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हों, चाहे वो खड़िया की हुई हो, कुड़ुख की हुई हो, मुंडारी की हुई हो, इन सभी में लिपि देवनागरी ही है। और हमने इस पे बहुत सारा हमारे यहाँ काम हुआ है, शब्दकोश बनाए गए हैं, अच्छा, शब्दकोश और की, हाँ हाँ थोड़ा हाँ पेपर में पढ़ा है उसके बारे में, आप उसकी जी भी थोड़ी जानकारी दें कि ये इनिशिएटिव कैसे लिया गया, क्योंकि हॉफमैन के हाँ सारे फादर वॉल्यूम का हॉफमैन जी ट्रांसलेशन जो जी मुंडारिक जी का हाँ इंसाइक्लोपीडिया में इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक मुंडारी का, का की बात, उसको हाँ ट्रांसलेशन किया जा रहा है या फिर जी क्या? जी हाँ ये मुंडा समुदाय में तो ये बहुत ही मतलब एक ग्रंथ के जैसा ग्रंथ है के जैसा यहाँ। है, जिसको आप बाइबल कहें, गीता कहें, कुरान कहें, क्योंकि फादर हॉफमैन ने इसे 16 वॉल्यूम में लिखा था, और 16 वॉल्यूम में लिखा हुआ है जो कि रोमन लिपि में है। तो रोमन लिपि में होने की वजह से बहुत इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में या जो उसका हिंदी उपयोग बोलने नहीं पढ़ने कर वाले पा हैं रहे वो उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो ये हम लोगों का बहुत प्रयास था कि इसको हम लोग हिंदी में रूपांतरित करें, अनुवाद करें, और ये हमने जनजातीय कार्य मंत्रालय दिल्ली से ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, और इसमें हम लोग अनुवाद कर रहे हैं। और इसमें पहले हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, और फिर जैसे इसमें हिंदी में अनुवाद करने के बाद अगर हम और अन्य भाषा में इसको चाहें तो हिंदी से उसका अनुवाद करना आसान होगा, इसलिए हमने इसको हिंदी में रखा है। तो ये काम अभी TRI में चल रहा है। और इसके अलावा एक और एक काम है, जैसे आप अभी गूगल ट्रांसलेशन देखते हैं अभी जिसमें बहुत कि ज्यादा बहुत, पॉपुलर हो हाँ गया है बहुत गूगल ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। ट्रांसलेशन। तो ये हमारा मंत्रालय भी चाहता है कि जो जनजातीय भाषाएं हैं उसमें भी हमको इस तरह के ऐप उपलब्ध हों, और इसके लिए झारखंड से मुंडारी भाषा में, उड़ीसा से आपका संथाली भाषा में, मध्य प्रदेश में भीली भाषा में, और छत्तीसगढ़ से गोंडी भाषा में, ये 4 भाषाओं में अभी ट्रांसलेशन ऐप टूल बनाने का काम चल रहा इसी है। साल से ये शुरू हाँ, ये इस साल हुआ। शुरू हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं अभी समय के साथ, जो समय की मांग है उसके अनुरूप, सरकार भी चाहती है कि हम समय के अनुरूप अपने चीज़ों को हम लाएं, ताकि हम ज़्यादा मतलब जनजातीय जो बोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके बीच में एक इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, अभी के जो युवा वर्ग हैं उनका भाषा को लेकर के किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है आपके यहाँ? लाइब्रेरी भी है आपके पास, छोटी जी सी जी जी एक साइड जी में, छोटी तो नहीं है, बड़ी ही हाँ है, हाँ हाँ तो जी वहाँ आपसे इंटरेक्ट भी करते होंगे, तो जो जी यूथ हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स है अपने लैंग्वेज को लेकर के? इस बात को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि अब के जो जनरेशन है, अभी के जो जनरेशन है, वो अब अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति बहुत सचेत हुई है, बहुत जागरूक हुई है। अब उनमें अपनी भाषा को जानने का, अपनी संस्कृति को जानने के को वो बहुत प्रयास करते हैं, वो सर्च करते हैं, हमारे पास पूछते हैं कि इस भाषा में या अपनी भाषा में आपके पास कौन कौन सी किताबें उपलब्ध हैं। हम लोगों ने जैसे एथनोग्राफिक स्टडी भी बहुत सारा कराया हुआ है, तो हम लोग उनको बहुत सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें कर सकते हैं। और रिसर्च करने वाले क्या सिर्फ झारखंड के हैं आपके यहाँ, जिसे नहीं एथनोग्राफिक स्टडी नहीं की नहीं आपने नहीं बात की? रिसर्च करने वाले जैसे बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में भी कर रहे हैं, तो वो अगर नहीं, आपके उनका संस्थान से जुड़ करके जी आजकल। उनका टॉपिक अगर वो झारखंड की भाषा या संस्कृति पर होता है तो वो हमारे यहाँ आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए।
इंटर्नशिप करते हैं और हमारी लाइब्रेरी का भी उपयोग करते हैं वो, और हमारे हमारे लाइब्रेरी में जो भी पुस्तकें हैं उनकी काम की, तो हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। अगर हमारी जनजातीय समूह पर जो डॉक्यूमेंट्री बने हुए हैं, अगर उनसे कोई हेल्प अगर उनको लेना होता है, तो हम वो भी उनको उपलब्ध कराते हैं। और आज सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आपको क्या लग रहा है इस पोजीशन में यहाँ? मतलब अभी एक जैसे आपने कहा कि काफ़ी लोगों में रुझान भी आया है, जी लेकिन साथ साथ में बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि भाषाएं लुप्त हो रही हैं, लोग बात नहीं कर रहे हैं या फिर उस पर लिखना पढ़ना नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों साथ साथ में चल रहा है। एक ग्राउंड रियलिटी है और एक है कि हम मीडिया में जो देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ साथ साथ में चल रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, कोई भी अध्ययन का विषय लोग चाहते हैं कि अगर हम ये विषय रख करके अगर हम कॉलेज में एकेडमी में अगर हम शिक्षा ले रहे हैं, तो इसका आगे क्या इससे हमको रोजगार प्राप्त होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम इस भाषा को रख करके आगे की पढ़ाई करते हैं तो इसमें कितना स्कोप है। तो इसमें सरकार के माध्यम से भी, इसमें अभी तो आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल स्कूली शिक्षा भी अपनी मातृभाषा में कराने का ये प्रावधान है कि आप मातृभाषा में आपको स्कूली शिक्षा देनी है प्राथमिक स्तर पर भी। तो लोग अब इसके महत्ता को समझ रहे हैं और लोग जानते हैं कि हाँ, हम अगर अपनी भाषा को रखेंगे तो हमको उसमें भी रोजगार है। तो अब इसमें धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में रांची में भी, झारखंड में भी, मतलब विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषा में पढ़ाई हाँ शुरू। पढ़ाई हो तो हो ही रही है। प्राध्यापकों की, असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों की भी नियुक्ति हुई है, तो एक आशा तो जगता ही है लोगों में कि हाँ, अब इसका स्कोप है, अब हम सिर्फ इसको सीखने के लिए या जानने के लिए नहीं, हम इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखिएगा, अभी झारखंड सरकार जो है हर साल 9 और 10 अगस्त को आदिवासी महोत्सव करती है, वहाँ पर आप देखिएगा यहाँ के जो आदिवासी समुदाय जो वस्त्र उपयोग करते हैं, उसकी भी आप देखिएगा कि एक आपने देखा होगा लास्ट ईयर कि हाँ, ट्रेडिशनल ड्रेस पे ट्रेडिशनल खूब कपड़ों रुझान में है, लोग बहुत, मतलब सारी भीड़ जो है वो उस कपड़े में ही नज़र आ रही सरूल थी। और जितने भी हाँ, जुलूस जुलूस निकल रहे होते हैं हैं सांस्कृतिक उसमें, आप उसमें। देखें इधर हाल के वर्षों में ये आपने देखा होगा कि बहुत क्रेज बढ़ा है युवाओं में भी, तो वो सब चीज़ें हैं, अच्छी है, लोग अपनी संस्कृति को मतलब अपना अपना रहे रहे हैं। हाँ हैं, दूर नहीं भाग रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी हाँ, ये मेरे ख्याल से ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, और समय के हाँ, साथ जब लोग इम्पोर्टेंस समझते हैं तो उसकी तरफ उसका रुझान भी बढ़ता है, बढ़ता लोग है, और अपनाते बिल्कुल भी। बहुत सारे रैपर आ रहे हैं, फैशन जी इंडस्ट्री में भी जी लोग पर अपनी भाषा पे फिल्म बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री जी फिल्म की आप बात कर रहे थे जी ना, जी जी अभी क्या ये सपोर्ट करता है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में भी क्या TRI सपोर्ट करता है या फिर? जी बिल्कुल। हम लोगों को एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री बनाना होता है, जैसे उनकी भाषा पर या उनकी संस्कृति पर। जैसे हम लोगों ने अभी विभिन्न समुदाय के उनके शादी ब्याह जो हैं वो कैसे सॉरी। होते हैं, उसमें किस तरह के नेक दस्तूर हैं वो कैसे किए जाते हैं, या उनका मृत्यु का संस्कार क्या है, या उनका नामकरण का संस्कार अगर है तो वो कैसे होता है, इन सब चीज़ों पे उनके वाद्य यंत्र क्या हैं, किस पर्व त्योहार में वो बजाए आप जाते बजाया हैं, जाता है। कैसे हाँ हैं, हाँ तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं। फिर कुछ कुछ एक हमारे ऐसे आसुरी का जो लोहा गलाने की जो विधि थी अब बिल्कुल लुप्त हो गई, उसको भी डॉक्यूमेंट किया था TRI ने। सो इसमें मैंने उसको पढ़ा हाँ हाँ है हाँ हाँ बस जी देखा नहीं। जी जी उसके बारे में भी है। जैसे अभी एक अभी एट प्रेजेंट जो हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसमें एक है कि यहाँ के जितने रिलीजियस साइट हैं उनको हम डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि जनजातीय शोध संस्थान जो है इसका जो ये
उद्देश्य ही है कि हम भाषा संस्कृति को प्रिजर्व भी करें, इसको प्रमोट भी करें, तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर इसको प्रिजर्व नहीं करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, तो अभी जिस स्पीड से चीज़ें बदल बदल रही रहे हैं, हैं हो सकता आधुनिकता। है कि आने वाले दिनों में बहुत बदला हुआ सा स्वरूप दिखाई जी जी दे। जी और जो उसका मूल स्वरूप है वो हो सकता है कि वो ना रहे और उसमें आधुनिकता आ जाए। बिल्कुल, जी, तो वो कहीं ना इसलिए कहीं आना ही उसको, है। हाँ और हाँ हाँ तो इसलिए उसको हमको प्रिजर्व भी करके रखना है। जी आपके यहाँ एक छोटी सी एक आर्ट गैलरी भी आपने जी जी रिसेंटली ही बनाया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप, क्या है? जी दो आर्ट गैलरी अभी हमने पेंटिंग्स पे बनाया है, एक धरती आबा बिरसा मुंडा कक्ष के नाम से है और एक संथाल हुल के नाम से है। इसमें हमने विगत 3-4 सालों में हमने पूरे भारतवर्ष से जितने भी जनजातीय आदिवासी चित्रकार थे उनको हमने आमंत्रित किया था और उनकी शैली में कहीं सौरा है, कहीं गोंड है, कहीं पटचित्र है, तो उनकी शैली की जितनी भी पेंटिंग्स थी उनको हमने वहाँ पे सजाया है, उनकी उसका गैलरी बनाया है। और बिरसा मुंडा धरती आबा कक्ष जो है उसमें बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित वो चित्र है, वो पेंटिंग्स हैं, उसकी गैलरी है। और कहाँ कहाँ से, मतलब क्या ये ट्राइबल आर्टिस्ट ही थे या हाँ, फिर सारे 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 ट्राइबल नॉर्थ आर्टिस्ट ईस्ट से भी थे? तो थे, उसमें साउथ से भी किस थे। तरह के रिफ्लेक्शन दिखते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट, जी क्योंकि जो भी वो पढ़े होंगे वो किताबों के माध्यम से ही पढ़े होंगे, जी देखा कोई भी नहीं है मिर्जा को, हाँ तो उनका पेंटिंग बनाने का जो तरीका था जी उसमें कुछ डिफरेंस आपको लगता है, यहाँ के पेंटर और वहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न पेंटर या फिर जी साउथ जी के पेंटर? वो दिखता है वो जो उनकी शैली है पेंटिंग करने की वो उनके चित्र में दिखता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जिस घटना को दिखाना चाहते थे वो घटना बिल्कुल उस चित्र में जो है वो जीवंत हुई है। अच्छा, उनके पूरे अगर लाइफ जी की पूरे उनके घटना। लाइफ को, पूरे उनके लाइफ साइकिल को कि कैसे उनका आंदोलन कैसे शुरू हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे फिर वो गिरफ्तार होते हैं, उनको जेल में रखा जाता है, ये सारी चीज़ें उस गैलरी में आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि भारत सरकार की तरफ से AI के टूल्स ट्रांसलेशन भी, टूल्स ट्रांसलेशन जी भी आएंगे, तो AI का आना जी थोड़ा अभी ये चर्चे में है, जी जी कि अगर उसके आने से थोड़ा लोग मेहनत कम करेंगे, ऐसा भी लगता है कि सब कुछ तो आपका टूल ही कर करके परोस दे रहा है, जी तो शायद उतना लोग लाइब्रेरी या फिर किताबों में नहीं झांक करके बस टास्क दे दिया और वो जनरेट हो गया, तो एक खतरा नहीं लगता है ऐसे में कि उसके आने से शायद और लोग मेहनत कम करने लग जाए या फिर खोजना कम कर दें, चीज़ों को सीखना कम कर दें? जैसे ट्रांसलेशन होता है ना जी दूसरी भाषा में, कि आपने बस लिख दिया अपने वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो गया, हाँ। और ऐसे बोलचाल की भाषा में सीखना, बात करना, और होता है कि कुछ शब्दों का नहीं मिलना बात करते समय, मातृभाषा में अगर बात करते हैं तो हम उसको सोचते जरूर हैं कि इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा इस जगह पे। अभी शायद वो अगर उस टूल में तो बिल्कुल सरल कर देगा, ऑटोमेटिकली वो आपको ऑप्शन दे दी, हाँ ये है, ये उसमें है आप सेलेक्ट कर लिया, जी। तो ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा खतरा भी हो सकता है कि लोग और पता नहीं क्या हाँ, हो? देखिए हर चीज़ का दो पहलू होता है, तो AI टूल बनाने का एक पहलू, अच्छा पहलू तो ये है कि वो आपको अब आपके मतलब आप उसको अपने हाथ में, आपके पास जो भी गैजेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है, आप वहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। इसके लिए एक्सेसिबल हो गया सबके लिए इजीली। अगर आप कहीं बाहर भी हैं, बाहर इंडिया से बाहर भी हैं, तब भी आप उस टूल के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इससे लिखने पढ़ने की क्षमता ख़त्म होगी, ऐसी तो बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इजीली जो हम, एक्सेसिबल हो हाँ, जाएगा, बस एक इजीली पॉइंट मिल जाएगा, बेनिफिट। बस यही बात है। और जो चीज़ें आप किताब के माध्यम से आप करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो चीज़ आपको वहाँ पर, हो सकता है कि अभी सारे शब्दों का आपको वहाँ पे ट्रांसलेशन ना भी उपलब्ध हो,
लेकिन आप एक किताब जो होती है वो पूरी ग्रंथ होती है, ये चीज़ें तो हैं। हाँ, अभी जैसे बुजुर्गों का कम हो जाना, हम लोग भी सोचते हैं कि ऐसा पता नहीं, अगर नहीं होंगे तो कैसे होगा। खैर, हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, अच्छी बात जी आपने कही, और कुछ पॉजिटिव एक नोट के होता साथ है। में कि फ्यूचर में इस संस्थान के द्वारा और भी अच्छे काम होते रहें। इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा बहुत सारी बारीकियों को जानकर, और आगे फिर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी जी, आपका धन्यवाद, जोहार। जोहार।